अब देखिए वेरी क्विक देन मैं आपके पास आया जी। नहीं मेरे पास तो क्विक ही होता है। देखिए ऐसा है कि कुछ चीजें तो पहले से राजनीति में है लेकिन कुछ चीजें नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद हुई है। जैसे इन्होंने एक प्रस्ताव दिया, आपको याद है 1997 में जब आजादी का 50 वर्ष था तो सभी पार्लियामेंटेरियन से मिलकर कुछ तय किए थे, बिल्कुल सब सर्वसम्मति से कि हम बेल में नहीं जाएंगे, हम जो है प्रश्नकाल को बाधित नहीं करेंगे। और हमने देखा है इसी संसद में कि अध्यक्ष की कुर्सी तक पर कागज फेंके गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा हो, कोई लड़का उस पर कागज फेंक दे, उसको क्या कहेंगे आप? शेमफुल, शेमफुल एंड शेमफुल। ये हो रहा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, यही सच है कि इस देश में जब आप ये बोलेंगे तो नीरज अभी कोई दूसरी बात याद दिलाएंगे। नीरज याद दिलाए, मैं कह रहा हूँ कि उस सभी ने गड़बड़ किया है ना भाई, ये किसी एक पार्टी का विषय नहीं, वो तय हुआ था कि ये करना है, लेकिन हमने वो देखा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि इस देश में आप कहिए कि बैठ के चाय जरूर पीते हैं, लेकिन इस देश में मैंने देखा है, चूंकि मैं जेएनयू में भी बोलने जाता रहा हूं, मैं वामपंथियों के साथ मैंने काम किया है, इस देश में आरएसएस, बीजेपी, उनके नेताओं को लगे एक डिस्गस्टिंग बात है कि ये सब असभ्य हैं, गंवार हैं, ये सांप्रदायिक हैं। तो वो जब उठता है जब सत्ता में, तो बहुत सारे लोग उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, और यही सच है, मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूं। उसके कारण जो शब्द निकलते हैं कभी कभी बर्दाश्त, अब मैं कल मेरे पास एक आर्टिकल आया है, वो भारत जोड़ो यात्रा में जो एनजीओ सब लगे हुए आप भी जानते हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, उसमें ये है लिखा हुआ कि रघुराम राजन तो आ गए राहुल जी के पास, वो आर्टिकल छपा भी है शायद, मेरे मेल पर आया है, लेकिन भाजपा के साथ कोई बड़ा बुद्धिजीवी क्यों नहीं आ रहा है। तो वो जो बुद्धिजीवी परिभाषा थी कि हमारे पास ही सारा ज्ञान है, हमारे पास ही बुद्धि है, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण गुस्से में बहुत सारी चीजें निकली है। नहीं लेकिन मैं आ रहा, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, बहुत अच्छा विश्लेषण किया। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं और वो ये कि 2014 में, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, कुछ लोगों ने जरूर ये मान लिया कि अरे ये कैसे हो गया, इस देश की जनता सर्वोपरि है, महान है, जो चुनती है उसको मानना चाहिए। और एक बात प्रधानमंत्री के बारे में, नो डाउट उनका जो ऑरा है और जो उन्होंने ऑरा दिखाया है, जो सामने उनका विस्तार है, उस पर कहीं कोई दो राय नहीं। और इसका जनता, जनता जो करती है, जो फैसला करती है, जो प्रेम देती है, उसका उसका सीधा 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 असर दिखाई पड़ता है। नीरज, नो नो नीरज, जी की बात को देखिए, उन्होंने दो चीज जोड़ी, विपक्ष का भी समय खा जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से, लोगों के प्रति जो बात करते हैं तो डिस्गस्टिंग बातें करते हैं, नफरत करते हैं। पता क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो धनाढ्य परिवार से आए हुए लोग जो अब तक राज्य कर रहे थे, जो अमीर थे, अमीर से अमीर थे, और भाजपा और आरएसएस के लोग गरीब हैं, गरीब परिवार से आए हैं। प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला है जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपने पता है आपके सांसद कितने करोड़पति हैं? इन्हें पता नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, कोई आपसे नफरत नहीं कर रहा है, आपके आचरण से नफरत करता है, किसी के भी आचरण। चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो इनको कैसे बर्दाश्त होगा? प्रतीक जी, मैं तो पहले ये कहूंगा क्योंकि यासिर भाई मेरे बड़े भाई हैं तो मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। यासिर राजनीति में अच्छे उदाहरण है, अच्छे उदाहरण है राजनीति के। देखिए यासिर भाई ने प्रधानमंत्री की जो तारीफ की वो उस लायक है क्योंकि जनता जनार्दन ने उन्हें जनादेश दिया, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि सुक्खू जी को दूध बेचते हुए भी देखा है लोगों ने, अशोक गहलोत को जादूगरी दिखाते हुए भी देखा है लोगों ने, और बघेल जी को अपना सारा कामकाज छोड़ के छात्र राजनीति से राजनीति करते भी देखा है। मैंने जिस दिन सुक्खू जी बने, मैंने उस दिन कहा, और एक नाम आप छोड़ देते हैं, वो हाँ मुकेश अग्निहोत्री, हाँ पत्रकार थे वो वहाँ पे, वो ब्यूरो चीफ थे 2003 मुकेश अग्निहोत्री जी का भी मैं दूंगा, पहले इनको लेट हिम कंप्लीट। गरीबों की, शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस सबसे आगे रही। लेकिन मैं कुछ और कह रहा था, क्योंकि जब रावण की बात आई तो आपने राम का जिक्र किया जी। तो राम के राम होने में जो सीता जी का योगदान है, क्योंकि मैं मिथिला से आता हूं और बोलते हुए इमोशनल हो गया, मध्य प्रदेश के मंत्री ने किस तरीके की बात की, महेश शर्मा उनके अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं। अरे जब आप लोग अमर्यादित बातें भगवान के लिए नहीं कर मतलब छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद किस तरीके से आप सोचेंगे कि आपके प्रति शुचिता आएगी? आप तो भगवान राम के अस्तित्व के लिए कोर्ट चले गए। आप है कांग्रेस का चरित्र, ये जनता जानती है।
देखिए अब आप मेरे छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, आप सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ यासिर, धर्म के दायरे से बाहर निकाल के लाइए बहस को, बहस वहाँ पे लाइए कि हम आचरण कैसे अच्छा करें। अच्छा, तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कह रहे हैं, इन्होंने सुक्खू के लिए कहा कि दूध बेचते हैं, अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे तो समसेवक पूरी जिंदगी जो है। नहीं, मैं पूरी बात मैंने समझ ली जनता, क्या यासिर।